एम्पायर का डिसीजन फाइनल सर कितने पॉइंट रोन जी बोनस प्लस वन पॉइंट महिंदा को रेडियम में हरियाणा का रेडियम वारे बोलूंगा वारे बोलूंगा आगे बोलूंगा रेडिंग में हरियाणा का बर्मा का रेडर रेडिंग में अपना दमखम दिखा था बिल्कुल वर्सेस वर्मा हरियाणा में कम कम दिक्कत है रेडिंग में महिंदा का रेडर लंबी कुद काफी का रेडर जो रेड में अपना दमखम दिखाता है वर्ल्ड कप का खेलता की तरफ से लंबी कोट का रेड जो पिछले मुकाबले में विजय है क्या खूब चला है टक्कर है और अपनी टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश पूरी जारी है इस रेड की लेकिन क्या जगह लिया गया रेड एम्पायर डिसीजन फाइनल खिलाड़ी कोई भी मौजूद है एम्पायर से मैच बाजू में चलेगी एम्पायर का डिसीजन फाइनल पॉइंट मिला रेड आउट रेड आउट ये उसी के नीचे से शबाश शबाश ये जो बात है खिलाड़ी वगैरह जो दर्शक दर्शक से गार्ड लेते हैं एम्पायर के अलावा कोई मौजूद है किसी को चोट आ गई तो उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे रशे से मार रहे हैं सभी आवाज आ रही है तो पानी की व्यवस्था करें खिलाड़ी के लिए पानी की व्यवस्था लसन खिलाड़ी चार खिलाड़ी मरना के खून के अंदर मौजूद बोनस मिलेगा लंबी कट का दूंगा रेडर आठ नंबर जर्सी का और ये अभी वो टीम फाइनल में और कुछ ही समय में फाइनल होने जा रहा है आज तक आपने अगर कोई मैच नहीं देखा तो चलेगा लेकिन आप लाइनर राकेश जी प्लीज गोल के अंदर चले जाए आप रेडिंग में वर्मा का रेडर शादी कृषि में जो पिछले मैच में बहुत खूब चला था रेडिंग और डिटेल्स में अपना दमखम दिखाता है ये रेडर वर्मा की तरफ से बोनस काटा है और बोनस मिला है वर्मा को एम्पायर से दस नगर खिलाड़ी एम्पायर से दस नगर बोनस दिया गया है और रेडिंग में वर्मा का रेडर आठ नंबर कृषि में फाइनल मुकाबला जो आज होने जा रहा है दर्शकों से निवेदन है कि ये रशियों से बाहर हो जाए
कल चोटना थे आपको सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल होगा कहीं आप मिस ना कर रहे हैं दर्शकों से निवेदन जल्द से जल्द पहुंचे अगला सेमीफाइनल टीमें तैयार है हर्ष वर्षा मिल जाएगा लेकिन इसी मैच में क्या मिलेगा कोई पॉइंट नहीं मिला है दिनों को और रीडिंग में मरुंगा का रेडर तीन नंबर दर्शन में अपना दमखम दिखाता हुआ रेडिंग में अपना दमखम दिखाता हुआ लेकिन अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए रेडर कोशिश जारी है स्कोर बोर्ड पर एक बात ध्यान देने 3-5 का स्कोर चल रहा है 5 पॉइंट बरिंदा और 3 पॉइंट बरना 2 पॉइंट की लीड है बरिंदा के पास 6 नंबर दर्शन है पीछे हरियाणा लिखा है बरना का रेडर जिला के धूप के बीच मैच का लुत्फ लेते हुए ग्रामीण वासी और रेडर में अपनी मोहल्ले की तरफ से आता हुआ लंबी गटकाठी का रेडर आज नंबर जर्सी में लंबी गटकाठी का रेडर बहुत लगा अपनी टीम का भरोसा जो गांव के बामासा बाम माता जो अपनी राशि लिखवाई हुई है वो राशि आज अपनी यहां प्रदान कर दे उसे निवेदन है बामा साहब ने आगे बढ़कर खूब सहयोग किया इस टूर्नामेंट में तो उनसे निवेदन है कि वे अपनी सही राशि प्रदान करें और ये 7 नंबर जर्सी का बरना का रेड है खिलाड़ी अपनी ईमानदारी दिखाते हुए आउट है उन्होंने आउट बताया है और एक पॉइंट बना और मैच का निर्णय लेते और रेडिंग में मरुंदा का रेडर लंबी कदकाठी का रेडर पानी की व्यवस्था करें मरुंदा वासियों के लिए कार्यकर्ता मनीष पवार सामने बैठे प्लीज आप खड़े हो जाए पानी की व्यवस्था करा दें मरुंदा वासी के लिए प्लेयर के लिए खड़े हो गए आप जल्दी से जल्दी आप लोग मेरी आवाज आपके तक पहुंच रही है खड़े हो जाए और फाइनल मुकाबला कुछ ही शुरू में होने जा रहा है और चमचमाती ट्रॉफी का हकदार कौन होगा आज वो कुछ ही समय में पता चल जाएगा आपको अगला सेमीफाइनल हर्ष वर्षे डिंगवाड़िया का टक्कर का मैच ये भी और ये 7 नंबर जर्सी का रेड है पिछले मैच में भी बहुत खूब चला था और कितने पॉइंट बदला का 2 पॉइंट मिले हैं 7 नंबर जर्सी का रेड है जो डिफेंस में बहुत चला है और आज रीडिंग में भी अपना दमखम दिखा रहा है बदला का रेड है मरुंदा का रेडर लंबी कदकाठी का रेडर जो अपनी टीम की नैया पार लगाने की कोशिश में जुटा है कोशिश जारी है लेकिन कोई पॉइंट मिला नहीं और ये बरना का रेडर जो अपनी वेरी में दमखम दिखाता है और बहुत ही फुर्तीला फास्ट रेडर जो लगता है प्लेयर गेम हो चुका और ये ले गया बरना का डिफेंडर को बरना का पास तीन प्लेयर आगे लेकिन रेडिंग में मरुंदा का रेडर अपना दमखम दिखाता हुआ कुछ ही क्षणों में फाइनल मुकाबला होने जा रहा आज अपनी जगह सीट ग्रहण कर रहे दर्शकों से निवेदन थे जगह मिलने वाले हैं खाकी खेड़ा स्टेडियम खचा कुछ बढ़ता हुआ
मरना का डिफेंस और रेडियो दोनों खूब चल रहा है क्या मनीष का टर्न था और ये पशुर की कोशिश मरने का रेडियो की तरफ से बहुत ही फिटिया पहुंच रहे सुपर टेकर की सिचुएशन मनीष मिलेगा नहीं सुपर टेकर की सिचुएशन महिला की लेकिन मरने का रेडियो अभी भी अपना कदम कर दिया था नोटिस मिला है छह सात का स्कोर दोनों टीमें टक्कर में छह सात का स्कोर रमेश जी भाई साहब चाय वाले व्यवस्था करें चाय की हनुमान भाजी आर्मी चाय की व्यवस्था और बिस्कुट की व्यवस्था जो आपकी तरफ से है कर दो प्लीज जल्दी गांव वाले के लिए लेकिन कोर्ट में बरिंदा का लंबे कटकाटे का रेडर आठ नंबर दृश्य में लगातार रेड करता हुआ लेकिन फिलहाल कोई सफलता हासिल नहीं हुई इनको वर्मा की टीम लगातार रेडी वर्ल्ड डिफेंस में चलती है और ये प्रशांत की कोशिश वर्मा के रेडर की तरफ से सुपर टेकर की सिचुएशन परिंदा की लेकिन मुकाबला टक्कर का दोनों टीमें लगभग स्कोर में बराबर चलती हुई टक्कर का मुकाबला खिलाड़ी कोर में शांत रहे एम्पायर का मेरा फाइनल मरिंदा का रेडर जो लंबी कद का देगा लगातार अपनी रेडिंग में आते हुए लेकिन अपना अभी तक उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं की है रेडर पाजी लगातार प्रेशर बनाए हुए रेडर पर लगातार प्रेशर बनाते हुए पाजी हाफ टाउन कोर चेंज मरना की तरफ से रेडिंग में लंबी कद काठी का रेडर जो फिटनेस से भरपूर लगातार रेडिंग करते हुए और सफलता लेते हुए और ये डिसीजन दे दो जाएगा बाहर से कोई अंदर नहीं जाए और मेरे वकाल पे रस्सी से पीछे जाए धरना को धरने को दो पॉइंट मिला धरना को धरना को अभी रीडिंग में दो पॉइंट मिला है मैंने कहा था लंबी कदकाठी का रीडर लेकर जाएगा अंदर ले गया ये किशोर जी पूर्णिया जो कॉर्नर में अपनी कुर्सी जमाई बैठे हैं थोड़ा बाहर जो है आपको चोट लग जाएगी थोड़ा पीछे जो है आपसे नहीं है रेडी में अपना दमखम दिखाता हुआ ओहो क्या जकड़ लिया गया रेडर और बोनस मिला है ऑल आउट तीन पॉइंट तीन पॉइंट मिला है बरना को ऑल आउट होने का छह नंबर जर्सी में लंबे कद काठी का रेडर बरना का टेक्निकल पॉइंट मिला है टेक्निकल पॉइंट मिला है बरना को
पॉइंट किया गया अंपायर की तरफ से, पॉइंट लिख लिया जाए, नोट किया जाए। ये बरना का एक प्लेयर ये आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, जो पॉइंट पर आप ध्यान दे रहे हैं आज दे रहे हैं सुनील भानु अशोक जी का मौजूद रहे हैं आप कमेंट्री बॉक्स में, फिर बेसबाजी नहीं चलेगी। पॉइंट की एक पॉइंट भी आज इधर उधर होने वाला नहीं है, एम्पायर का डिसीजन फाइनल। राकेश जी फायदा के लिए थोड़ी टेंट की व्यवस्था करा, उनको धूप लग रही है। लाइन एम्पायर और ये रेडर का लेगा बंदो का लंबी की कटी का लेगा, अब चलने लगा है बरना का रेडर, बरना का रेडर रेडी में और ये बरना का प्लेयर है रेड राउंड हुआ है, रेड राउंड हुआ 300 बरूंगे की 300 अभी सेकंड हाफ में चली है, एक पॉइंट बरूंगे को मिला और रेड तीन नंबर जैसे में बरूंगे का रेड 10-12 का स्कोर, 10-12 दो पॉइंट बरूंगा लीड में, दो पॉइंट बरूंगा लीड में भरना है लीड है सर, दो पॉइंट की लीड में भरना रीडिंग है भरना का रीडर रीडिंग में भरना का रीडर चार नंबर जर्सी है जो अपना दम कम दिखा दे रहा है लगातार। ये जो दर्शक कमेंट्री बॉक्स के सामने बैठे बाहर हो गए आप, प्लीज बाहर हो गए आप, ये उसी के सामने बैठे लोग खड़े हो गए आप, बाहर हो जाएगा प्लीज, चोट देख सकते आपको अभी अभी आपके सामने खिलाड़ी को बाहर ढकेल गया आप चोट देख सकते आप उसी से बाहर हो गए मैच बाकी न कर आप हंसे हैं ऐसे प्लीज बैठ गए साहब मेरे और पहुंच गए आपके सामने, मेरे सामने ही बैठे आप कोर्ट पीछे हो जाए रेडिंग में बरूंगा का रेडर 8 नंबर जर्सी में जो अभी अभी पॉइंट लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए, क्या वो पॉइंट ला पाएंगे अपनी टीम के लिए, इनकी टीम लगातार लैब से कर रही है बाहर एम्पायर का डिसीजन। रेडिंग में बरना का रेडर लंबी कदकाठी का रेडर जो अपनी टीम के लिए पॉइंट की तलाश में आया है, लंबी कदकाठी का रेडर यशवंत कार्यकर्ता ये लाइन से बाहर करा आज इनका, खिलाड़ी के अलावा और एम्पायर के अलावा कोर्ट के अंदर कोई मौजूद नहीं रहे और मैच का लुप उठाए आप लोग, ये कमेंट्री बॉक्स में आप शांति बनाए रखे, कमेंट्री बॉक्स में शांति बनाए रखे कार्यकर्ता व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन अभी रेडिंग में 8 नंबर जर्सी का रेडर लंबी कदकाठी का बरूंगा का रेडर जो अपनी टीम के लिए पॉइंट की तलाश में निकला है, बाजी अभी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं भरने की टीम के अंदर। इसके बाद में टीमें तैयार रहे, हर्ष वर्सेस बीन राजा का सेमीफाइनल होगा और उसमें से जो टीम निकलेगी वो इस मैच में जो जीतेगी उस टीम से फाइनल में भिड़ेगी, तो मुकाबला तो टक्कर का होगा निश्चय है, मैच देखने लायक है। दर्शकों से निवेदन कि अपनी सीट ले लें, सीट मिलेगी नहीं क्योंकि फाइनल मुकाबला भी बाकी है, रोमांच पूरा भी बाकी है। बब्बू हर्ष अपनी टीम तैयार रखें, हमारे बीच अनुभवी एम्पायर ओम जी पूनिया जो मेरे छात्रावास के संचालक है हमारे बीच मौजूद, और किशोर जी जुड़ावा जो डिफेंडर को रेडर को जो माना आप उसको लेगा, टीम अनुशासन बनाए रखे, टीम अनुशासन बनाए रखे, एम्पायर का डिसीजन ध्यान दे लेगा, अनुशासन ही आपको जीत दिलाएगी, अनुशासन
अनुशासन एक खिलाड़ी की पहचान है। टाइम आउट ले रहे हैं खिलाड़ी, टाइम आउट लिया गया बल्ले की तरफ से। टाइम आउट लिया गया बर्मा की तरफ से। टीम का स्कोर देख लो एक बार, टीम का स्कोर देख लो, 11-11 एक पॉइंट की लीड अभी भी बर्मा के पास। तो मैच तो टक्कर का और उधर जाने वाला मैच टक्कर का, एक पॉइंट की लीड, कोई लीड में लीड नहीं है, कोई मायने नहीं रखती है, कोई भी पलट सकती है और कोई भी बाजी मार सकता है दोनों टीमों में। तो टीमें तो ये कार्यकर्ता व्यवस्था बनाए रखे, पानी की और व्यवस्था तैयार रखे आप, जल्दी पानी छिड़कने की हो सकती है तो व्यवस्था बनाए रखे। आपको कहने की जरूरत ना हो, आप कैंप ला के धर दें आप। और रेडी में बरिंदा का रेडियो 3 नंबर जर्सी जो अभी भी पॉइंट लेकर गया था, टीम है टक्कर की, ये तो मान के चलिए आप, दोनों टीमें टक्कर की। धीरे धीरे मैच में रोमांस बरकरार हो रहा है और ये रेडिंग में 7 नंबर जर्सी वाले बहुत ही तगड़े जो अपने डिफेंस है रेडिंग में चल रहे अभी, और पिछले मुकाबले में बहुत खोल चले थे बर्मा की तरफ से। 7 मिनट 8 मिनट का लगभग वक्त बाकी, 7 मिनट का वक्त बाकी, खिलाड़ी ध्यान रहे, अभी भी 1 पॉइंट की लीड है, ये कोई लीड में लीड नहीं, मायने नहीं रखती, कभी भी मैच पलट सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है और फाइनल में पहुंच सकती है। मैच चक्कर का और ये लगातार अपनी टीम की तरफ से, बल्लेबाजों की तरफ से रेड करता हुआ 8 नंबर जर्सी का रेडर जो लंबी कद का है, अपनी टीम के लिए पॉइंट की तलाश में निकला है बर्मा की तरफ से। और बग्गू पहुंच चुका हमारे बीच और अपनी टीम को तैयार कर ले, गर्म कर ले, क्योंकि मैच चक्कर का होगा। खिलाड़ी होश और चूस से भरे हुए, 6 नंबर जर्सी का रेडर बर्मा का जो रीडिंग में आता हुआ 6 नंबर जर्सी में, ये ब्लॉक लाइन टच टाइम लगभग 5 मिनट का वक्त बाकी, 1 पॉइंट की लीड कर रहा अभी भी बर्मा, बर्मा लीड कर रहा है। खिलाड़ी अपना दमखम दिखाता हुआ बरिंदा का, लेकिन क्या सफलता हासिल होगी इनको, क्या रेड में कुछ कर पाएगा या झगड़ लिया जाएगा, ये कुछ कह नहीं सकते हम, ये तो रेडिंग भी बताएगी और रेड क्या देगी। 7 नंबर जर्सी का रेड बर्मा का, 5 मिनट का वक्त बाकी, टाइम पर ध्यान दें, 5 मिनट का वक्त बाकी, 1 पॉइंट की लीड बर्मा के पास। टक्कर का मुकाबला टक्कर का अगला मैच सेमीफाइनल बींज वाले वर्सेज हर्ष, ये भी मैच तो टक्कर का होगा। बींज वाले से नहीं बने, बग्गू से बच के रहे आप, बहुत ही खतरनाक डिफेंडर बग्गू, ये पिछले मैच को टाई कर चुका था और लगभग जीत भी गया था बग्गू हर्ष, जो कार्यकर्ता भी है और अपनी टीम का भी कोच, खिलाड़ी जो कुछ कहें आप वो सब है। लेकिन अभी तक दोनों टीमें लगभग पॉइंट की तलाश में, लेकिन अभी पॉइंट हासिल नहीं हुआ इनको, 1 पॉइंट की लीड है और खिलाड़ी कुछ मैच को स्लो कर रहे हैं। मैच पलटेगा, जरूर पलटेगा, कोई ना कोई फाइनल में पहुंचेगा, कोई ना कोई पहुंचेगा। रेडर आउट बिल्कुल टाइम का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोच साहब से निवेदन, आप टाइम आउट ले लिया, ये खिलाड़ी आउट, 2 पॉइंट की लीड बना दी है बर्मा ने, 2 पॉइंट की लीड बना दी है, आउट हुआ है रेड, लगभग टाइम 30 सेकंड की रेड से ज्यादा समय लिया है इन्होंने, टाइम का पूरा ध्यान दिया खिलाड़ी टाइम का ध्यान दें। लाइन एम्पायर ध्यान दे पीछे, रखे जी भाजा ध्यान दे, दोनों टीमें शांति बनाए रहे थे। मैच इतनी टक्कर का है कि आप टेक्निकल पॉइंट की वजह से भी हार सकते हैं, पिछले मैच में या पिछला टूर्नामेंट जो हुआ था पिछले वर्ष, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से टीम सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंची थी, तो आप उस चीज का ध्यान दें, कहीं आप फाइनल से दूर न हो जाए टेक्निकल पॉइंट की वजह से,
तो शांति से मैच खेले, मैच को बढ़ाया गया, खेल को खेल की भावना से खेले। एम्पायर का डिसीजन फाइनल मैच में गया, खिलाड़ी को शांति बनाया गया। ये गलती आप फाइनल में आकर समय फाइनल में आकर नहीं कर सकते। 30 सेकंड के रेड का आप समय 30 से ज्यादा ले रहे हो, ये आप एक खिलाड़ी की विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट इनको मिला है। और रीडिंग में भी बल्लेबाज का रेड 3 नंबर जर्सी में अपना दमखम दिखाता हुआ, लेकिन खाली लौट गया है। 7 नंबर जर्सी में ये रेड और ये डिफेंडर दोनों आज चला है। 3 मिनट का वक्त बाकी है, 3 मिनट का वक्त बाकी, 2 पॉइंट की लीड वर्ना के पास अभी भी। खिलाड़ी सेफ खेल रहे हैं, उनको पता है कि आप फाइनल सेमीफाइनल में आकर ये गलती नहीं कर सकते, तो खिलाड़ी बिल्कुल जरूर सेफ तो खेलेंगे, लेकिन क्या कौन गलती पहले करता आज पता चलेगा। कार्यकर्ता यशवंत चौधरी वो लाइन अप पर ध्यान दे दयाल जोशी। रेडियो में 3 नंबर जैसे में लगातार रेड करता है रेडर, लेकिन अभी तक कोई पॉइंट नहीं ले पाया है। और ये गलती, और ये गलती, एम्पायर का डिसीजन फाइनल होगा, खिलाड़ी बीच में ना बोला, और ये लाइन का छोड़ो साथ में चले गए। ओहो, ये गलती इस मैच में आपको फाइनल से बाहर कर सकती है, सेमीफाइनल से बाहर फेंक सकती है। एम्पायर का डिसीजन ध्यान में है, खिलाड़ी शांति बनाए रखे। खिलाड़ी शांति बने रहे, एम्पायर डिसीजन दे दिया जाएगा, एम्पायर का डिसीजन फाइनल होगा। ये लाइनिंग वाले थोड़ा चूना डाल देते तब ये फाइनल होगा। आगे में चलो समय, ये बरना का रेड है, रेडिंग में बरना लीड करती हुई लगातार लंबी कट काटी का रेड है। रेडिंग में अपने दमखम दिखाता हुआ बरिंदा, ओहो क्या ये लगभग जीत की तरफ बढ़ रही है टीम, वर्मा टीम लगभग जीत की तरफ बढ़ रही है। क्या पॉइंट है, खिलाड़ी देश बाजी में करा, एम्पायर का डिसीजन फाइनल होगा। लाइन एम्पायर ध्यान दे दिया की जगह से आप एम्पायर से डिस्कस कर ले इस पॉइंट का डिस्कस कर ले। किशोर जी एम जी बिल्कुल टाइट स्कोर, ध्यान दे आप स्कोर बोर्ड पर, क्या पॉइंट मिला इस पॉइंट का, मिला दें रेडर सेप है, रेडर सेप है। खिलाड़ियों के अलावा और एम्पायर के अलावा कोई खोल के अंदर मौजूद न रहे, खिलाड़ी और एम्पायर के अलावा कोर्ट के अंदर कोई खड़े न रहे। दर्शक कार्यकर्ता बाहर आ जाए, कई चोट आ जाएगी आपको। बोनस मिला है, बोनस दिया गया है बरिंदा को, 3 पॉइंट लीड। मैच सत्र का 1 मिनट का वक्त बाकी, 1 मिनट का वक्त बाकी, टीम फाइनल में स्कोर पर ध्यान दें। 12-15 3 पॉइंट की लीड बरना के पास अभी भी बरकरार है। 1 मिनट का वक्त बाकी, मैच को शुरू करने की जरूरत है अभी। टीम लगभग फाइनल में पहुंच चुकी है, फाइनल में पहुंच चुकी है, लगभग औपचारिकता है बाकी मैच में, मैच में औपचारिकता है बाकी, लेकिन अभी भी क्या पता। एम्पायर का डिसीजन फाइनल होगा, एम्पायर और खिलाड़ी के अलावा कोई कोर्ट के अंदर खड़े ना, टीम आपकी टीम टेक्निकल पॉइंट की वजह से हार जाएगी। एम्पायर से बेसबाजी ना करो, प्लेयर है आपके, आप मैदान के अंदर क्यों भाग रहे हैं, मैच को बाधित न करें, मैच की मर्यादा बनाए रखें। एक रेड लगभग एक रेड और एक पॉइंट की लीड भी है इनके पास, क्या तय होगा ये फाइनल सेमीफाइनल में आगे तय होगा क्या। ओहो क्या मैच जीत चुकी है। कौन सा टीम मैच होगा तो आपका टक्कर का होगा, ईमानदारी से मैच होगा आपने अगर कम है। ये स्कोर का ध्यान देते एक बार, पॉइंट कितने से ओम जी पूनिया, 2 पॉइंट मिला इनको, ओम जी पूनिया ये
दो पॉइंट और बल्ला को मिलता है, स्कोर पर ध्यान दे एक बार 15-17 तीन खाली में।